अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमएम सिल्क मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करूंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी काफ़ी टाइम से कि मैं मुसर्रत मिसबा सिल्क फाउंडेशन का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, और काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर रही थी ड्यू टू सम एक्सट्रीम मसरूफियात। सो आई एम बैक अगेन, और आज की इस वीडियो में आपको इस फाउंडेशन का रिव्यू देखने को मिलेगा, डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये फाउंडेशन ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फाउंडेशन का रिव्यू देखने के बाद उसको परचेज़ करेंगे। सो जो यूज़ कर रहे हैं वो भी अपना रिव्यूज़ और अपना रिज़ल्ट, जैसे उनकी स्किन के ऊपर ये फाउंडेशन कैसी जाती है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जो इन फ्यूचर परचेज़ करने का सोच रहे हैं वो ये वीडियो गौर से देखें। सो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक पंप है, वही जो आपको हर वीडियो में सुनने को मिलता है। ये है कि पैकेजिंग बताना अच्छा होता है, आपको आइडिया हो जाता है। अच्छी पैकेजिंग है, ऐसा नहीं है कि लोकल ब्रांड है तो लोकल सी पैकेजिंग है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव फाउंडेशन है, पहले इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जब नहीं आई थी। आई रिमेम्बर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ये आई थिंक 1450 रुपए की थी, और अब ये फाउंडेशन तकरीबन 2950, मतलब 2950 रुपए समथिंग की है। सो मैंने ये बाय की थी सेल से। सेल इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। सो उसमें जो है वो आपके पैसे सेव हो जाते हैं, तो प्रेफर किया करें कि सेल से बाय किया करें। अब जाहिर सी बात है पैसे भी तो बचाने हैं ना भाई। तो ये फाउंडेशन जो मैंने बाय किया है ये vegas.pk से बाय की थी, 2450 रुपए में आई थिंक, तो कुछ पैसे जो है वो बच गए थैंक्स टू द सेल। और पैकेजिंग आपके सामने है। इसमें मैंने शेड परचेज़ किया है फेयर, और अच्छा मैं इतनी बार जो है वो शेड बता रही होती हूँ कि मेरा शेड ये है, मैं ये फाउंडेशन की शेड यूज़ कर रही होती हूँ, फिर भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आता है कि आप शेड कौन सा यूज़ कर रही हैं। इट मीन्स आप लोगों में से कुछ लोग जो है ना वो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, और या तो बस उनको सिर्फ शेड जानने में इंटरेस्ट होता है कि इस लड़की की जो स्किन टोन है उसके ऊपर कौन सा जो है ना वो शेड गया है। होता है लोगों को। अच्छा फेयर शेड है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग फेयर शेड है, और आई होप कि ये बिल्कुल ठीक जाएगा। थोड़ा सा फेस के ऊपर अप्लाई करके देखा था तो तब तक तो ठीक लग रहा था, तो अब ये है कि फर्स्ट टाइम यहाँ इस कैमरे में देख के अप्लाई करूँगी। फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट टाइम रिव्यू इस फाउंडेशन का इस वीडियो में। चले बस शुरू करते हैं। बट फर्स्ट मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं किया, फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे, बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता हो, यहाँ पे मैं COSRX का ऑयल फ्री अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई करूँगी। ये बेसिकली ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए नहीं है। बट एज़ अब विंटर जा रहा है, अब मौसम जा रहा है समर्स की तरफ, गर्मियों की तरफ, तो मैं इसको यूज़ करना छोड़ दूंगी। ये मैं सिर्फ सर्दियों में यूज़ करती हूँ। ये ऑयल फ्री अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है मेरी स्किन पे सिर्फ सर्दियों में सूट करता है, गर्मियों में नहीं। तो हो सकता है कुछ ऑयली स्किन वाले देख रहे हों और वो भी फिर ये लोशन यूज़ करना शुरू कर दें, ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। हाँ सर्दियों में ऑयली स्किन इसको यूज कर सकती है। अच्छा जी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करें तो उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम दें। मॉइस्चराइजर अप्लाई किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब अप्लाई करूंगी प्राइमर। कोई सा भी प्राइमर जो आपको पसंद हो अप्लाई कर लें। अच्छा एक साइड पर प्राइमर अप्लाई करूंगी, एक साइड पर नहीं अप्लाई करूंगी, और प्राइमर को भी स्किन के साथ सेट होने का 2 से 3 मिनट देंगे, ठीक है। सो एक साइड पे देखेंगे कि प्राइमर के साथ कैसा रिजल्ट है, कितनी स्मूथ आउट हो रही है प्राइमर के साथ, और दूसरी तरफ देखेंगे कि प्राइमर के बगैर स्किन के ऊपर फाउंडेशन का कैसा रिजल्ट है। सो अभी से ही स्किन के ऊपर फ़र्क महसूस हो रहा है कि ये साइड पे पोर्स हैं, और तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद स्किन थोड़ी सी ब्लर आउट हुई है एज़ कम्पेयर्ड विद द दिस वन।
आई डोंट नो आप कैमरे में देख पा रहे हैं या नहीं, बट आई कैन सी इट इन द मिरर कि ये साइड स्मूथ हो गई है, पोर्स जो हैं वो फिल इन हो गए हैं, नॉट कम्प्लीटली बट स्लाइटली, एंड दिस साइड प्राइमर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है माइन स्किन बेस परफेक्ट मेकअप प्राइमर. अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन. ठीक है, तो जस्ट शेक वेल. टेक्सचर आप देख सकते हैं ऑलरेडी थिक है, नॉट टू थिक, नॉट टू क्रीमी, बट इन द मिडल ऑफ समवेयर. अच्छा, पहले अप्लाई कर लेते हैं प्राइमर वाली साइड पे. कोशिश करूंगी कि ये जो मैंने वन पंप लिया है ये पूरे फेस को कवर आउट कर ले, क्योंकि एज आई हैव लिसन के ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ब्राइडल के लिए यूज़ होती है, पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट है, दिस एंड दैट. सो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ. स्टिपलिंग ब्रश है मेरे पास रियल टेक्निक्स का, एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड द फाउंडेशन ऑल ओवर माई फेस. ब्रश के साथ पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड करने के बाद आई विल सेट इट विद द ब्यूटी स्पंज. सो यू कैन सी विदाउट फाउंडेशन एंड विद फाउंडेशन थोड़ा सा मुझे डल लग रहा है शेड. नाउ अब मैं इस साइड पर भी अप्लाई कर लूँ. और हाथ पे फाउंडेशन ख़त्म हो गई है. आई नीड टू टेक कोशिश यही होगी कि इक्वली अप्लाई कर लूँ फाउंडेशन, लाइक जितनी यहाँ अप्लाई की उतनी ही इस जगह हो जाए. अच्छा, मेरे हेयर्स आपको लग रहे होंगे झाड़ू नुमा, बेसिकली झाड़ू नुमा नहीं है क्योंकि अभी आई जस्ट टुक अ बाथ एंड हेयर्स को ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, इसलिए मैंने टाई अप नहीं किया हेयर्स को. सो इसलिए थोड़े से रफ लग रहे होंगे आपको. सो हेयर्स पे ध्यान ना दें, फेस पे और फाउंडेशन पे ध्यान दें. हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कवरेज की. ऑब्वियसली जब ब्रश से अप्लाई करते हैं तो कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके बाद स्पंज से अप्लाई करते हैं तो कवरेज थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है, स्किन में स्मूथ लुक आ जाता है स्पंज के साथ सेट करने से. ठीक है. अच्छा जी, बात कर लेते हैं कवरेज की. ब्रश से अप्लाई करें या स्पंज से, कवरेज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. ये है कि ब्रश से अप्लाई करने में फाउंडेशन जो है वो स्पंज में एब्जॉर्ब नहीं होती है, और जब आप सिर्फ स्पंज से अप्लाई करते हैं तो वो लिटिल बिट एब्जॉर्ब होती है. तो कवरेज मीडियम टू फुल की तरफ है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट वन लेयर अप्लाई की है और यू कैन सी माय मोल एंड यू कैन सी द डार्क सर्कल्स. यस,
डार्क सर्कल्स लिटिल बिट क्या बोलेंगे, झलक रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह से डॉट लगा के मैं दोबारा से जो है वो अप्लाई करूंगी जो मेरे हैंड पर है, जो कि मैंने सेकंड फॉर्म लिया था, टू सी के ये नया पंप ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसकी सेकंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं और मैं देखना चाह रही हूँ कि ये मैक्सिमम मेरे फेस पे कितना मतलब रहती है, किस पॉइंट पे ये केकी ना हो, बस केकी ना हो, इतनी क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी। सो सेकेंड लेयर अप्लाई कर ली है, केकी बिल्कुल भी नहीं लग रही फाउंडेशन, और फुल कवरेज मैं नहीं कह सकती बिकॉज यू कैन सी मोल हेयर, यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ डार्क सर्कल्स। सो इट्स नियर टू फुल कवरेज फाउंडेशन बट नॉट कम्प्लीटली फुल कवरेज। एंड यस, दो लेयर्स अप्लाई करने के बाद भी बिल्कुल केकी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल स्किन लाइक फील है, बहुत लाइट वेट है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि आपने फेस के ऊपर कोई हैवी लेयर अप्लाई की हुई हो, बिल्कुल स्किन लाइक फील है, लाइक यू आर फीलिंग रिलैक्स। और जहाँ तक बात करें ट्रांसफ़र होने की, तो इट इज़ नॉट ट्रांसफरिंग ऑन माय हैंड्स, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, नियर टू फुल कवरेज है, मीडियम टू नियर टू फुल कवरेज। सो शेड की अगर बात करें तो शेड जो है वो मुझे अपनी स्किन टोन से इतना ज़्यादा मैच होता हुआ नहीं लग रहा, मेरा थोड़ा फेयर न्यूट्रल टोन में है और ये जो है थोड़ा सा फेयर डार्क कुछ है, आई डोंट नो, मैं जो हूँ वो शेड के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, लाइक आई वांट टू मैच माय फाउंडेशन विद माय हैंड्स एंड विद माय नेक, ठीक है। तो नेक पे मैंने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की है, शेड में मैं कंफ्यूज हूँ, फेयर शेड इज़ नॉट माय शेड। ये है कि जिनका कॉम्प्लेक्शन मुझसे थोड़ा सा डल है वो ये फेयर शेड की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं प्राइमर साइड और नॉन प्राइमर साइड की। तो प्राइमर साइड जो है वो लिटिल बिट फ्लॉलेस है, और जो नॉन प्राइमर साइड है वहाँ पे थोड़े से पोर्स नुमाया हो रहे हैं, जस्ट स्लाइटली सा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो ये है कि आप प्राइमर अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सो यहाँ पर मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, एक मैंने फ्रेश अप्लाई की है और एक मैंने ओल्ड एप्लीकेशन की हुई है, ताकि आप देख सकेंगे कितनी ऑक्सीडाइज होती है, एक विदाउट फ्लैशलाइट रिज़ल्ट है और दूसरा फ्लैशलाइट के साथ रिज़ल्ट है। तो जब भी आप ये फाउंडेशन परचेज़ करें तो अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर परचेज़ करें, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है, और इस फाउंडेशन का मेन मसला ये है कि बहुत स्लोली ऑक्सीडाइज होती है, लाइक 5 से 10 मिनट लगा देती है ऑक्सीडाइज होने में, तो आपको वेट करना पड़ता है कि अब ऑक्सीडाइज हुई या अब ऑक्सीडाइज हुई। तो बेहतर यही है कि हम रिव्यू ही इसलिए कर रहे हैं फाउंडेशन का, कि आपको ईजीली कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो आप परचेज़ कर सकें। सो आप जो है वो एक शेड लाइटर परचेज़ करें, ताकि ऑक्सीडाइज हो भी तो वो आपकी स्किन टोन के साथ मैच हो जाए। और यहाँ पर मुझे शेड के साथ इसीलिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मेरी शेड जो है वो स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा। और बाकी बात करें फुल कवरेज की, तो ये फुल कवरेज मेरे हिसाब से तो नहीं हुई फाउंडेशन, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आपकी स्किन के ऊपर रेड पिंपल्स के स्पॉट हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो ये उसको कम्प्लीटली हाइड नहीं करेगी, आपको लाजमी जो है
वो कलर करेक्शन कंसीलर्स ये यूज़ करने होंगे ताकि आपकी फाउंडेशन फुल कवरेज और आपका मेकअप फ्लॉलेस हो जाए। और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी फाइन एंड फ्लॉलेस है तो यू डोंट नीड एनी कंसीलर्स एंड अदर कलर करेक्शंस, तो ये तो आपके लिए फिर फुल कवरेज साबित होगी अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है देन यू हैव टू यूज़ द कंसीलर्स एंड कलर करेक्शंस। सो यहाँ पर आपके सामने मैंने कोई कलर करेक्शन यूज़ नहीं की है, डायरेक्ट आपको जो है वो बिल्कुल एक फेयर रिज़ल्ट दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर ना मिरर में इतनी फ्लॉलेस लग रही थी स्किन, बहुत अच्छी जो है ना ये फाउंडेशन स्किन के ऊपर बैठी और लग रही थी। सो हाईली रिकमेंडेड, बहुत फ्लॉलेस इसका रिज़ल्ट है फाउंडेशन का। शेड के साथ मैं ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं थी, और बाकी ओवरऑल फाउंडेशन हाईली रिकमेंडेड, बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी चीज़ रह गई मुझसे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी रीड किया करें। अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप सबसे पहले वॉच कर सकें। So I hope you like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.